डॉक्टर अमित तिवारी, और ये समोसे बना रहे हैं। कुछ कहना चाहेंगे सर? समोसे खाइए, बहुत लाजवाब बन रहा है, एकदम टेस्टी। तो टेस्टी समोसे विद डॉक्टर साहब। आज के समोसे बनाने वाले हैं डॉक्टर साहब। तो सबसे पहले पनीर, उसके ऊपर आलू, भर भर के आलू। इसके बाद हम लोग फिर से ऊपर से पनीर डालेंगे। पानी लगाएंगे और उसको पैक कर देंगे। दिखाइए सर अपना समोसा। ये देखिए, बिल्कुल परफेक्ट ट्रायंगल, तीन टांग की तितली। नहा धो के थोड़ी देर में निकलेगी, डिज़ाइनर फोल्ड के साथ। इतना तो बनता है। हेलो, वेलकम बैक टू माय चैनल फूडी स्नेहा। आज बन रहे हैं समोसे और हेल्प हो रही है डॉक्टर साहब से। तो फिलहाल गर्मी में भी फैन बंद करके हम लोग बना रहे हैं, लेकिन मजा आ रहा है। थोड़ा सा हैवी भी खाना चाहिए, और बहुत ज़्यादा हाइजेनिक चीज़ें ही नहीं, कभी कभी थोड़ा सा चीज़ों को हैवी करके खाना चाहिए। हफ्ते में एक बार चलता है, बहुत ज़्यादा नहीं, लेकिन रोज़ रोज़ नहीं, कभी कभी। स्ट्रिक्टली रोज़ रोज़ नहीं, और बाहर का तो बिल्कुल नहीं। जो भी खाना है खाइए, घर पे बनाइए, अच्छे से इन्जॉय करिए। थोड़ा सा क्वालिटी टाइम इसी तरह से स्पेंड होगा और मज़ा भी आता है। तो हम लोग ले रहे हैं मज़ा, और समोसे बनाने का थोड़ा सा एक एक्सपीरियंस भी ले रहे हैं, कैसे बनता है, कैसे बनाया जाता है, और ये लोग रुको बेलने का क्या क्या चैलेंज है, इसको भरने का क्या चैलेंज है, इसको बनाने का क्या तरीका है। मैं फर्स्ट टाइम बना रहा हूँ, इसलिए मुझे बहुत ज़्यादा आइडिया नहीं है, लेकिन फिर भी ट्राई कर रहा हूँ। थोड़ा सा अच्छा बन जाए, थोड़ा टेढ़ा मेढ़ा बन जा रहा है, लेकिन कोई बात नहीं, बनेगा सही। टेस्ट ऑसम ही आना है, टेढ़े मेढ़े से कोई प्रॉब्लम नहीं। ये हो गई हम लोग की बच्चों वाली बैच तैयार। देखिए टाइप का थोड़ा सा शुरुआत में बन जाता है, कभी कभी टेढ़ा मेढ़ा, लेकिन उसको सीधा कर सकते हैं बाद में। चलो इस टाइप का बेलिए, थोड़ा टेढ़ा मेढ़ा भी रहेगा तो चलेगा, शेप मैटर नहीं करता है। जैसे कहते हैं ना, इंसान का कलर मैटर नहीं करता, उसका साइज या वेट या हाइट मैटर नहीं करती, इंसान कैसा है वो मैटर करता है। तो हमारे समोसे का भी कुछ ऐसा ही है कि स्ट्रक्चर मैटर नहीं करता है। मतलब स्ट्रक्चर सच में मैटर नहीं करता है, थोड़ा बहुत करता है। दो टांगे तो पहले ही निकल आई। पूरी मेहनत के साथ डॉक्टर साहब लगे हुए हैं, इसलिए हम लोग कोई भी बुरा कमेंट नहीं करेगा, मैं भी नहीं करूँगी, बस हम लोग समोसे एंजॉय करेंगे। एनी हाउ उसमें भरना तो है ही आलू, आलू तो भर के रहेगा।
हमारी बैच तैयार है, थोड़े बड़े बड़े भारी भरकम समोसे, और यहाँ वो पहले से टांगों वाला जो हम लोग का आटा था उसको बिल्कुल सर्कल का शेप देके अब इसमें आलू भरा जाएगा। पहले पनीर, फिर आलू। आलू अच्छा सा चटपटा बनाइए और बिल्कुल दबा के भरिए, क्योंकि समोसे में जब तक आलू है तभी तक सब कुछ है, है ना सर? आलू समोसा जिंदाबाद। यार में आलू रहे ना रहे, लेकिन समोसे में आलू जरूर रहेगा। ये तो सही बात है। तो ये हमारा समोसा फिल हो चुका है, अब इस पे साइड्स पे पानी लगा के इसको हम लोग पैक कर लेंगे। बिल्कुल आराम से अगेन एक बिल्कुल परफेक्ट ट्रायंगल समोसा। ये घर आ गया और इसमें से काफ़ी सारे समोसे डॉक्टर साहब ने बनाए हैं, मेरी हेल्प भी हो जा रही है और दूसरा कि थोड़ा हम लोग को मज़ा भी आ जा रहा है। अभी सबसे मुश्किल काम है अब इसका बनेगा समोसा। ये देखना ज़रूर बनता है कि जब आपका आप मेरी बात बहुत सीरियसली लेने की स्ट्रक्चर मैटर नहीं करता या कलर मैटर नहीं करता, उसके बाद भी टेस्ट मैटर करता है या इंसान मैटर, तो अब यहाँ थोड़ा संभलना है क्योंकि कुछ लोग कुछ ज़्यादा ही टेढ़े हो जाते हैं। तो जो ज़्यादा ही टेढ़े हो जाए ना उनको मत समझिए, उनको जस्ट ठूस के आलू भर दीजिए उसमें, फिर वो अपने आप ही शेप ले लेगा, इधर उधर कितना भी चटकना वो चटक नहीं पाएगा। तो इसी प्रक्रिया को अपनाते हुए डॉक्टर साहब ने इसे भी थोड़ा खींच खाँच के टेढ़ा मेढ़ा करके टाइट कर दिया है, और अब इसमें भी भरा जाएगा आलू, और ये जितना ही टेढ़ा भाग रहे थे ये उतने ही सीधे बन के निकल आए हैं। किसी टेढ़े इंसान को सीधा करने में मजा आता है सर? एक्सप्रेशन देखो, एक्सप्रेशन देखो डॉक्टर साहब के, बहुत भाग रहा था, पकड़ के दबा दिया उसको, आलू भर दिया गया उसमें, इनके बोलती हो गई बंद, इनको गर्मा गर्म तेल में तल लिया जाएगा। तो बिल्कुल भाई साहब समोसे हमारे हिसाब में आ चुके हैं, औकात में आ गएंगे, टेढ़े मेढ़े भाग रहे थे, देखो पैच वर्क हो गया है इनका अच्छे से डिजाइनर फोल्ड के साथ, जो ज्यादा भागता है वो और अच्छा निकल के आता। तो ये आ गए हमारे टेढ़ू मल, देख सकते हैं थोड़ा सा अलग हिसाब है इनका, लेकिन है बिल्कुल परफेक्ट ट्राइंगल, और क्या चाहिए। तल लेंगे बहुत ही शिद्दत के साथ डॉक्टर साहब लगे हुए आज। जब भी मौका मिले तो ऐसे किचन में टाइम थोड़ा स्पेंड करिए, कुछ नई नई चीज़ें सीखिए, कुछ दूसरे का भी एक्सपीरियंस लीजिए कि घर किचन में कितने से दर्द से कितने मेहनत से काम होता है और खाना बनाने में कितनी मेहनत लगती है, और खास कर कुछ स्पेशल चीज़ों में और ज़्यादा मेहनत लगती है, और फैमिली में बस में दूसरे को आदमी अच्छे से समझ भी जा सकता है कि क्या है, एक दूसरे की थिंकिंग क्या है, हर चीज़ आदमी समझता है अच्छे से, और कुछ नए नए एक्सपीरियंसेस भी मिलते हैं आपको काम करने के, जो आप बैठ के सोचते हैं ऑर्डर करो फट से समोसा बनाओ बस आ जाए, तो ऐसे फट से आपके टेबल पर नहीं आएगा, थोड़ा सा
मुश्किल के लिए बहुत मेहनत लगती है। इसको जो करेगा तो अपने आप समझ में आ जाएगा, तो उसको फट से टेबल पर नहीं आएगा, काफ़ी मेहनत के बाद आपके टेबल पर आता है। जब आप बनाए रहेंगे तो आपको समझ में आएगा कि कितनी मेहनत लगती है टेबल पर आने में। कोई भी चीज़ हो, छोटी या बड़ी या मतलब इजी हो या, पहले आप समझिए कि इस पर कितनी मेहनत लगती है बिल्कुल टेबल पर आने में, तो आप खुद ही अगली बार से जल्दीबाजी नहीं करेंगे, आराम से आप टाइम लें देंगे सामने वाले को भी, और हो सकता है आप हेल्प भी करें। बनाना मुश्किल काम है तो आप हेल्प भी करेंगे और एक क्वालिटी टाइम भी आप अपने फैमिली में स्पेंड कर सकते हैं। ऐसे ज़रूरी नहीं है कि साथ बैठ के बात करें तभी खाली समय में, किसी काम में आप हेल्प भी करते करते अपना क्वालिटी टाइम स्पेंड कर सकते हैं। ऋतु कैसा है? थैंक यू। तो बच्चों से अप्रूवल मिल चुका है कि बहुत टेस्टी है। अगर आप लोगों को इसकी रेसिपी चाहिए होगी तो मेरे चैनल पे बहुत पहले से पड़ी हुई है, उसको जरूर चेक कर लीजिएगा, और हो सकेगा तो हम उसको डिस्क्रिप्शन में या तो आई बटन पे डाल देंगे। चेक करते रहिए, ढेर सारे रेसिपीज हैं, कुछ कुछ बनाते भी रहिए आप लोग और अपना एक्सपीरियंस भी शेयर करते रहिए। क्योंकि जैसे आज मैं थोड़ा सा एक्सपीरियंस ले रहा हूँ कि समोसा कैसे बनता है, आज मैं फर्स्ट टाइम बना रहा हूँ, मुझे नहीं मालूम था कैसे बनता है, लेकिन पहली बार में ही मुझे समझ में आ गया कैसे बनता है। आप लोग भी बनाइए, आप लोग थोड़ा सा एक्सपीरियंस लीजिए कैसे बनता है, और टेस्टी टेस्टी समोसा बनाइए अपने घर में, फैमिली के साथ इंजॉय करिए, बहुत अच्छा लगता है। वैसे भी बारिश तगड़ी हो रही है तो पकौड़े और समोसा ये तो बिल्कुल बारिश की एक तरह से जान है, इसको ज़रूर बना के ट्राई करिए। और कैसा लगता है मुझे वो डॉक्टर साहब ने और बच्चों ने तो यही बता दिया, क्योंकि इन लोगों को कमेंट बॉक्स में आने की जरूरत नहीं है, लेकिन आप लोगों को कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना पड़ेगा। ऐसे ऐसे कुकी बनाते रहिए, इसमें आलू भर के। तो भाई समोसे में आलू भरने के लिए आपको उसकी कुप्पी बनानी पड़ेगी, पहले कुप्पी बनाइए ऐसे, इसमें आलू भर दीजिए, पनीर डाल दीजिए, उसको चिपका दीजिए, हो गया। और अगर आपको पसंद हो तो आप उसमें ड्राई फ्रूट्स भी डाल सकते हैं, लेकिन उसको हल्का सा फ्राई करके डालिएगा। ढेर सारा धुआ करके एकदम आलू आप इसमें भर दीजिए, एकदम गर्दन तक इसके बिल्कुल बनारसी स्टाइल में हचक के आलू भरना है। दबा के भरिए जब तक कि ना ना बोल दे कि नहीं बस कर दो, और नहीं भरना है आपको जब तक समोसे का दम ना निकल जाए। इसके बाद ड्राई फ्रूट्स वगैरह जो आपके पास हो वो डाल सकते हैं, पनीर वनीर एकदम दबा के भरिए ताकि लगे कि हाँ कुछ बना है ना। इसके बाद थोड़ा सा पानी लगाइए ऐसे, इसको चपका दीजिए। उसके बाद आपको 15 रुपये पीस समोसा मिलेगा। 15 रुपये वाला बन रहा है समोसा, 5 रुपये वाला नहीं है, रोटी वाला बन रहा है। और आज हम लोग का डिनर भी यही होने वाला है। एकदम बढ़िया ट्रायंगल शेप का बना है, चटनी भी तैयार है, इसको लोग तलेंगे। रोज़ आप लोग के साथ में रेसिपीज़ तो शेयर होती हैं, आज मैंने कहा कि थोड़ा प्रोसेस भी शेयर किया जाए और कुछ हल्का फुल्का ब्लॉगिंग। तो अगर आप लोगों को पसंद आएगा तो इस वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा। और अगर लाइक कर रहे हैं तो बिना सब्सक्राइब किए जाने का कोई मतलब नहीं बनता है, तो चैनल को अगर वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, और ऐसा हल्का फुल्का एक एनवायरनमेंट। और सारी लेडीज़ से मेरा मतलब एक बात मैं कहना चाहती हूँ, अगर आपके हस्बैंड हेल्प नहीं करते ना तो उनको ये वीडियो दिखाएगा थोड़ी सी समझ आ जाएगी, अगर नहीं आई तो कम से कम हड़बड़ी तो नहीं करेंगे, क्योंकि बहुत जगहों पर मैंने देखा है कि बस
कुछ बोल दिया गया कि हाँ ये चीज़ तैयार करनी है, उसके बाद बिल्कुल हड़बड़ी नहीं हो जाती, ये नहीं समझते कि उसके लिए कितना टाइम लगेगा। तो मैं तो फिलहाल इस चीज़ में बहुत अच्छी जगह पे हूँ कि मुझे ये प्रॉब्लम नहीं है। सब लोग समझते हैं, पूरी फैमिली हेल्प करती है। तो लेकिन जिसके यहाँ पे इस तरह का कुछ बात है, वो आप लोग थोड़ा सा अपनी तरफ से भी कोशिश करिए कि सामने वाला समझे, और अगर सामने वाला समझ जाता है तो फिर बहुत अच्छी बात है। तो वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ में शेयर कर दीजिएगा। और इसी तरह के हल्के फुल्के ब्लॉग्स और रेसिपीज़ के लिए करना क्या है आपको, यहाँ सब्सक्राइब बटन है, और मैंने जो अभी बताया कि सब्सक्राइब कर लेना है, उसके बाद आती एक घंटी उसको ज़रूर बता दीजिएगा। और ये है मेरे सुपुत्र, समोसे पकौड़े जो मन करे आप बनाते रहिए, और साथ में सब्सक्राइब भी करिए, लाइक भी करिए, शेयर भी करते रहिए, और किचन में एक दूसरे की हेल्प भी करते रहिए, जरूरी होता है थोड़ा। तो ये हमारा दूसरा बैच तैयार हो गया है ग्रीन चटनी के साथ में, बड़े लोग के लिए ग्रीन चटनी, बच्चों के लिए सॉस, जैसा जिसको पसंद हो सारी वैरायटी अवेलेबल। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय। तो भाई मैं तो अपना समोसा कर रही हूँ एंजॉय, आपको भी करना चाहिए। तो इसके लिए आपको क्या करना होगा, अगर आपको आता है तो आप अपनी रेसिपीज बनाइए, अगर नहीं, अगर आप थोड़ा डिफरेंट ट्राई करना चाहते हैं तो आप मेरी रेसिपी से बनाइए, बहुत अच्छा बन के तैयार होगा। और हाँ, जो मैंने कहा था ना, आप कुछ भी बनाइए तो अगर आपकी फैमिली घर पे है तो उसको इन्वॉल्व करना बिल्कुल भी मत भूलिए, क्योंकि उससे क्या होता है ना कि एक तो फैमिली का बॉन्ड बहुत अच्छा होता है, और दूसरी चीज़ क्वालिटी टाइम मिल जाता है, जो कि जैसे जो हम हाउस मेकर्स हैं, होम मेकर्स है ना, हाउस मेकर्स नहीं, होम मेकर्स। अब हम लोग का क्या है ना कि अगर हम लोग को क्या चाहिए, कुछ नहीं चाहिए, थोड़ा सा साथ, थोड़ा सा प्यार और थोड़ा सा रिस्पेक्ट, बस यही, और कुछ नहीं चाहिए होता है। इंसान हमेशा अपने घर के लिए ही सब कुछ करता है। तो अगर उसमें आपको दिखता है कि आप कुछ कर रहे हो और आपकी फैमिली आपके साथ में इंजॉय है, या इंजॉय कर रही है, या इन्वॉल्व है, तो वो बहुत अच्छी बात हो जाती है। और जो कुछ भी आप इंजॉय करने वाले हो ना, उसका मज़ा जो है वो दुगना हो जाता है। तो आप भी अपनी फैमिली को इन्वॉल्व करिए, और जो भी फैमिलीज देख रही हैं मेरा वीडियो, आप भी अपने घर में जो भी आपकी मदद करता है या आपके लिए हमेशा कुछ ना कुछ करता रहता है, तो प्लीज़ एक बार घर की लेडीज़ को भी वैल्यू दे के देखिए, उनको उनके साथ इन्वॉल्व होकर देखिए, उनकी जो खुशी है ना, या उनका जो वो काम करती हैं आपके लिए, वो दुगनी खुशी से करेंगी, और ये उनके लिए भी बहुत अच्छा होगा, आपके लिए भी बहुत अच्छा होगा। तो अब बात है, हम समोसा एंजॉय करते हैं। और हाँ, बाकी सब लोग मेरे साथ क्यों नहीं बैठ के खा रहे हैं ये भी बता दूं, बनवाने में सब इन्वॉल्व हो गए, खाने में कोई वेट नहीं कर सका, जैसे जैसे समोसे निकलते गए सब बैठते गए, और जब मैं समोसे निकाल रही थी तो मैंने वीडियो शूट नहीं किया उन लोगों का। जस्ट लव इट। वैसे भी समोसा मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है, लेकिन कुछ रीजंस हैं जिनकी वजह से हम लोग समोसा अवॉइड करते हैं, और बाहर का तो बिल्कुल ही, घर पे जाहिर सी बात है आप हमेशा नहीं बना सकते, तो ये कभी कभी वाली डिश है जो बनती है। तो जब मौसम ऐसा हो जाए तो आपको बनाना पड़ ही जाता है कुछ भी करके। तो आज वही वाला मौसम बन गया था, 3-4 दिन से खूब कस के बारिश हो रही थी, और पकौड़ों में उतना ज़्यादा कुछ इंटरेस्ट नहीं है, तो हम लोग का इंटरेस्ट है इधर। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक ज़रूर करेगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आगे भी इसी तरह के हल्के फुल्के वीडियोस मिलते रहेंगे, और आपको रेसिपी वीडियोस भी साथ साथ में मिलेंगे। तो होने वाला है बहुत कुछ, उसके लिए रहिए स्टे ट्यून्ड। और उसके लिए आपको करना होगा चैनल को सब्सक्राइब, सब्सक्राइब बटन यहाँ नीचे है, मैं अक्सर इधर बता देती हूँ, इधर नहीं होता, इधर होता है नीचे, उसको क्लिक करेंगे तो बेल आइकन आएगा, बेल आइकन को भी आप क्लिक कर दीजिएगा, ताकि हमारा आपका साथ इसी तरह से बना रहे, और हम आपस में भी एक क्वालिटी टाइम बिता सके। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।